70 के दशक में विनोद खन्ना ही एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे। भले ही विनोद खन्ना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें हमेशा याद करते हैं। आज हम आपको विनोद की उन 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें उनके साथ अमिताभ भी नजर आए थे। विनोद खन्ना अपने जमाने के एक मशहूर अभिनेता थे, लोग उनके अभिनय के दीवाने थे। 70 के दशक में विनोद खन्ना की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ काफी जमी थी। लोगों को ये जोड़ी काफी पसंद भी आती थी, लेकिन दूसरी ओर चर्चाएं हमेशा यही होती थी कि विनोद खन्ना हमेशा अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ते रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस दौर में विनोद एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो अमिताभ को टक्कर देते थे, लेकिन साल 1978 में आए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान ऐसा क्या हो गया था कि विनोद खन्ना अमिताभ से इस कदर खफा हुए कि उनके साथ फिर उसके बाद कभी साथ काम किया ही नहीं। सबसे पहले आपको विनोद खन्ना की उन 5 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिसके आगे सभी का स्टारडम चकनाचूर हो गया था। इन फिल्मों में वैसे तो विनोद खन्ना के साथ अमिताभ भी थे, लेकिन कहा जाता है कि इन फिल्मों में विनोद अमिताभ पर भारी पड़ गए थे। साल 1975 में आए फिल्म जमीर, 1976 में आए फिल्म हेरा फेरी, 1977 में आए फिल्म परवरिश, 1977 में आए फिल्म अमर अकबर एंथनी और 1978 में आए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। इन फिल्मों पर दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन 5 फिल्मों में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ गए थे। दरअसल अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में आए थे तब विनोद खन्ना पहले से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुके थे और लोग विनोद खन्ना के अभिनय के दीवाने थे, लेकिन साथ में इतनी सारी फिल्में करने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि विनोद खन्ना ने अमिताभ से दूरी बना ली थी। कहा जाता है कि फिल्म मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना पर एक गिलास फेंकना था और विनोद को उस गिलास से बचना था, लेकिन डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन कहा अमिताभ ने जोर से ग्लास को विनोद खन्ना पर फेंका, लेकिन विनोद सही समय से झुक नहीं पाए और ग्लास उनके चिन्ह थुड्डी पर जाकर लगा। इस हादसे में विनोद खन्ना का चेहरा लहूलुहान हो गया था और उन्हें 16 टांके लगे थे। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद उन्होंने अमिताभ से दूरी बना ली थी और फिर दोबारा कभी उनके साथ काम नहीं किया था।